अब भी काफी भारी संख्या में दर्शक यहां चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। 11वें ओवर की शुरुआत भास्कर ने पहले अपने पहले ओवर में 8 रन दिए थे और बाकी कर्नाटका बुलडोजर्स के बॉलर्स की तुलना में काफी महंगे रह गए भास्कर। 3-4 स्टेप से लेके हल्का ऑफ स्पिन करने का प्रयास, लंबा शॉट और कैच, क्या बात है, कार्तिक रन इन फ्रॉम लॉन्ग ऑफ, ये उनका खास अंदाज है सेलिब्रेट करने का। और हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शोएब अख्तर को ऐसा करते हुए देखा था और दो चारों खिलाड़ियों को, बेहतरीन कैच, तेजी से अंदर आए अपनी दाहिनी तरफ और ये देखिए किस तरह से सैंडी ने अटैक करना चाहा, कम से कम अटैक तो किया लेकिन ऑन द रन क्वाइट ब्रिलियंट बाय कार्तिक। यही कर्नाटका बुलडोजर्स की खासियत है, बल्लेबाजी भी करते हैं अच्छी, गेंदबाजी भी, और फील्ड में तो बहुत बढ़िया है ही। सैंडी वेल ट्राइड, नेवर माइंड, 12 रन बनाए 14 गेंदों में और बंगाल टाइगर्स का 5वां विकेट सिर्फ 51 रन। जोरदार शॉट, खेलने का प्रयास, गेंद हवा में और सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बहुत है ये शॉट्स, देखिए बंगाल टीम का खेमा थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ, बड़े शॉट्स खेलने की जब क्षमता है तो कोशिश करिए और सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। गुड शॉट स्वागतो, बड़े शॉट लगाने के बाद नए बैट्समैन क्रीज पे इंद्रशीष, नायब की जिस तरीके से उनका शरीर है क्या बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, कोशिश तो जरूर की थी लेकिन पास भी नहीं थे गेंद के, फुटवर्क नॉट आइडियल। खड़े खड़े उस तरह का शॉट मारना बड़ा मुश्किल, दिस इज बेटर इजियर। 11 ओवर के बाद 58-5 बंगाल टाइगर्स। जोरदार शॉट खेलने की कोशिश लेकिन मौका था वहां पे और आसान सा कैच छोड़ा, मौका बन सकता था लेकिन एक चूक, जीवनदान इंद्रशीष को। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हेलो गाइस, आई एम बैक एंड ऑफ कोर्स निखिल सर और चारू सर दोनों इस कमेंट्री बॉक्स के अंदर बस यही वंडर कर रहे हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है। एंड बंगाल टाइगर्स अगर चाहें तो ये जो एगनी है ये या तो जल्द खत्म कर सकते हैं। आई जस्ट वाज स्पीकिंग टू बोनी कपूर द
downstairs and he owns the team, Bengal Tigers. वो खुद ये कह रहे थे like खत्म कर दिया. And of course, yes, Raima Sain was also there. जो अपने हील्स से इतना परेशान हो गई थी, बोले कि अगर मैं ये हील्स पहन के मैं इस मैदान पे निकल जाऊं तो एक गोल्फ कोर्स बन सकता है छेद 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 चारों तरफ. रोशनजीत नॉट वेरी हैप्पी. आखिरी गेंद राहुल की तरफ से. इतना छोटा गेंद राहुल, लेकिन फिर भी चौके तक नहीं पहुंचने दिया. एहसान कर दो, थोड़ा ऐसी पांव से मार के चौका कर दो. ओवर की समाप्ति इसी के साथ 12वें ओवर की समाप्ति पर 65 for 5. Let's go. बाहरी किनारा बहुत चतुराई से खेला यहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग. आसानी से रन नहीं बनाने दे रहे बंगाल टाइगर्स की टीम को कर्नाटका बुलडोजर्स, हर एक रन के लिए उनको मेहनत करवाते हुए. इसे कहते हैं एक चैंपियन टीम, पिछले सीजन की विजेता और इस सीजन की शुरुआत माकेदार स्टाइल. वंडरफुल कमाल की फील्डिंग वहां पे, इस बार उठा दिया है मिड विकेट क्षेत्र में. बॉल बाउंड्री लाइन के पास, पूरा पूरा लवले लवले पासे लवले पासे, मौका ऐसा लगा कि एक और बना था विकेट लवले पासे लेवेट पूरा पूरा. अजीब सी बात यह है कि कर्नाटका बुलडोजर्स के सपोर्टर्स जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है वो भी सोच रहे हैं कि बस खत्म करो. कुछ शॉट लगाने का प्रयास तो जरूर किया मत रहा यहाँ पे बंगाल टाइगर्स की टीम ने, क्योंकि बीच के कुछ ओवर ऐसे थे कि वो सिर्फ ब्लॉक कर रहे थे. राहुल कहीं ना बिटबड़ो, बेगा बेगा बेगा. गोवा निकोफिक्स सीसीएल सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक. बहुत सारे मैचेस अभी भी बाकी हैं, अभी सीजन की शुरुआत हुई है. That's right, Nikhil. 1 तारीख को यानी 1st of February CCL goes international, जब दुबई में मैचेस खेले जाएंगे मुंबई हीरोज और तेलुगु वॉरियर्स के बीच. ऑफ कोर्स तेलुगु वॉरियर्स ने आज आखिरी मिनट पर आखिरी गेंद पर मैच गंवा दिया. मुंबई हीरोज के खिलाफ वो पूरी तगड़ी कोशिश करेंगे. केरला स्ट्राइकर्स और वीर मराठी टीम खेलेंगी दुबई में. सो दुबई इंटरनेशनल स्टाइल. 13 ओवर की समाप्ति पे 69 for 5 बंगाल टाइगर्स. Right, we are back. 14th over, pehli gain. completely beaten. Bengal Tigers, unfortunately, इस वक्त एक ऐसे कगार पर खड़े हैं जहां पर उन्हें अब या तो डूबना है या डूबना है. 162 रन 7 ओवर में. ओहो, उठा के मारा जरूर है लेकिन बढ़िया फील्डिंग. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा रही, या तो बल्ले चेक कराए या तो बाउंड्री लाइन छोटी कर दें. बाउंड्री लाइन या हाथ में जो डोले हैं वो थोड़े और बना के बनाना जरूरी है. जैसे कि मैं आपको बता रहा था, स्केड्यूल हमारा पैक्ड है. 2 फरवरी को हम चेन्नई पहुंचेंगे जहां पर भोजपुरी दबंग से खेलेंगे बंगाल टाइगर्स के खिलाफ. चेन्नई राइनोज खेलने वाले हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाफ.
एंड ऑफकोर्स उसके बाद हर वीकेंड पर आपको मैच देखने को मिलेगा। अगला शनिवार यानी 8 फरवरी को कटक पहुंचेंगे हम, बंगाल टाइगर्स वर्सेज मुंबई हीरोज, तेलुगु वॉरियर्स वर्सेज भोजपुरी दबंग, उसके अगले दिन 9 फरवरी को कोची। छोटी गेंद मारने की कोशिश लेकिन एक बार फिर फील्डर तक। सीधी सीधी बात है, 23 फरवरी को फाइनल्स है। So you've got the whole literally every month packed, you know, so don't make any plans for your weekends. Make sure you're tuned in, you're watching the games. If not watching the games, then you could be listening to it. An appeal on the Big FM 92.7. So now live banao. अपील जरूर हुई थी लेकिन ऐसा लगा नहीं कि बैट के मारी किनारा लगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एम्पायर को इन्फ्लुएंस कर दे। And of course, आज चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हम यहां पर आपको लाइव फुटेज दिखा रहे हैं। थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स गोवा निकोफिक्स सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। ओवर की आखिरी गेंद सीधे फील्डर के पास, 14वें ओवर की समाप्ति पर 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत फिर से कोशिश लेकिन गेंद बल्ले से रूठ गई है। नहीं मैं नहीं हूं, तुमने मेरे को मेरी सहेली बाउंड्री लाइंस नहीं मिलवाया। मेल होना बहुत जरूरी, खासकर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं पाले जी एंड से। कोशिश भी यही रहेगी अब कप्तान सुदीप की कि सभी को बॉलिंग करने का मौका दे, क्योंकि आने वाले जो मैचेस हैं जिसकी शेड्यूल की आप बात कर रहे थे मात्रा की, बेहतर ऑपोजिशन रहेगी। सो यू माइट वेल गिव एवरीबडी अ चांस, एवरीबडी स्टेज इन दैट सॉर्ट ऑफ रिदम, बिकॉज कम अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशन यू विल सर्टेनली बी नीड टू बी एट योर बेस्ट। चेन्नई राइनोस के खिलाफ कर्नाटक बुलडोजर्स का अगला मैच है 2 फरवरी को। चेन्नई राइनोस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, 2 सीजन के विजेता। लो कौन रोक रहा है, फील्डर भी नहीं रोक रहे अब तो गेंद। बैंगलोर की शाम बड़ी मदमस्त है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, अच्छा क्राउड आया है और क्राउड को यही चाहिए। हिंदुस्तान में 2 चीजें सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, सिनेमा और क्रिकेट, और सीसीएल उसका कॉम्बिनेशन। और इसी के साथ विकेट, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटका बुलडोजर से ज्यादा बंगाल टाइगर्स खुश हो रहे हैं। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, पूरी तरीके से बीट हुए, लेकिन कमाल की विकेट कीपिंग बाय द कैप्टन सुदीप, अ फैंटास्टिक जॉब डन। छठे विकेट का पतन, 76-6 बंगाल टाइगर्स। सोगदा डिडंट ट्रबल द स्कोरर्स टू मच गेटिंग आउट ऑफ 24। Right, we are back. Bengal Tigers के लिए एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जॉय। जॉय जो कि 2 बार रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे और वापस आए
पता नहीं डगआउट में ऐसा क्या है जहां पर जॉय खींचे चले जा रहे हैं। और एक रनर का जो ये ट्रेंड है सीसीएल में, ये साफ देखने को मिलता है और इससे साफ ये मालूम पड़ता है कि फिटनेस हमारे इन स्टार्स की किस लेवल पे है। किसी एक टीम के लिए नहीं, हर टीम में बल्लेबाजों को रनर्स की जरूरत पड़ रही है। मैं भी किया करता था खेलते खेलते, अरे ये नहीं किया करता था, मतलब यहाँ सेल्फी पिक्चर्स लिए जा रहे हैं मैच, चूंकि मालूम है कर्नाटका बुलडोजर्स को कि मैच ऑलमोस्ट उनके हाथ में है। बल्लेबाज पड़ोस में जाके एक एसएमएस करके वापस आए। रन आउट हो सकते हैं और बहुत ही करीबी मामला, दे दो मंत्र कहते हुए दे दीजिए आउट। थर्ड एम्पायर को रेफर जरूर किया लेकिन मुझे नहीं लगता कि वापस क्रीज में पहुंच पाए। ये देखिए शानदार विकेट कीपिंग सुदीप द्वारा, थर्ड एम्पायर के लिए भी कुछ कुछ करने को यहां पर। ये कर्नाटका बुलडोजर्स के यमदूत आउट यू गो। Alright, we are back. जैसा कि आपको मालूम है बड़ा ही रीचेबल टोटल है, 150 रन 30 गेंदों में। और इसी के साथ इंद्राशीष बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे।